चलिए हमारे साथ, फोटो शूट हो गया, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी का फोटो शूट हो गया। रिपोर्टर ने तो नेताजी को पीट डाला। तो देखा आपने कैसे माइक थामे एक शख्स ने माला पहने नेताजी को धुन दी। पहली नजर में तो वीडियो कोई औचक हुई घटना ही नहीं लगती। ये रिपोर्टर नहीं, ये तो गुंडा है। Is it scripted? Is it scripted? क्या ये रियल है? Scripted है, scripted है, scripted है। अब लगता है अपने रिपोर्टर बनने की कहानी इन्हें बतानी ही पड़ेगी। कैमरा चालू है जी? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69, धर्मेंद्र लचीला के साथ। न्यूज 69 खबरें खचाखच की रफ्तार से हम यहाँ पे आए हैं ताकि आपको एक रिपोर्ट दिखा सके। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह का नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जैसा कि देखिए एक बोतल भी यहाँ पे गिरा हुआ है, तो ये लोग इस जगह को गंदा करते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, तो यहाँ पे कोई लोग आ नहीं रहा। तो इसी पर हमारी आज की रिपोर्टिंग है कि हम इनसे सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है। आप देखते रहिए न्यूज 69, धर्मेंद्र लचीला के साथ। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, उनसे आके पूछते हैं, जो कि लग रहा है वो शराब भी पी रहे हैं। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्यों ऐसा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। इधर तो रिपोर्टिंग हो गया सर, उधर जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लोगों से सवाल पूछेंगे तब तो लोग सुधरेंगे। चलो मेरे साथ इनसे हम पूछते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे शराब पी रहे हैं, तो हम इनसे बातें करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पानी में भी आके यहाँ पे आप लोग क्यों शराब पी रहे हैं जी? जाने जा रहे यहाँ से तुम शराब पी रहे हो, गलत बात है ना? पूछ लिया सवाल, मना लिया गाँव, हम तुम्हारा कैमरा वैमरा नहीं चलाएंगे। ये हो जाता है कभी कभी, रुक। साला तीसरा कैमरामैन भगाया है इस महीना में। जब तुमको बोला गया था केवल रिपोर्ट लेकर आना है, तो उन लोगों से उलझने क्यों गया था? सर सवाल करना भी तो जरूरी है, अगर हम समाज से सवाल करेंगे तभी तो ये समाज बदलेगा ना, इसीलिए मैं उनसे गया था सवाल पूछने। साला आज तक एक रिपोर्ट ठीक से लाया नहीं और चला है सवाल करने। पिछला बार स्वच्छ भारत का रिपोर्टिंग करने गया था ना, उसमें लाइव क्या किए हो पता है ना तुमको? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69, धर्मेंद्र लचीला के साथ। न्यूज 69 खबरें खचाखच की रफ्तार से। अभी हमने एक मुद्दा उठाया है कि जो लोग खुले में शौच करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम खेतों में आए हैं और यहाँ पे घर में शौचालय मौजूद होने के बाद भी लोग खुले में शौच करते हैं, तो हमारी रिपोर्टिंग उन्हीं के ऊपर है। तो चलिए हम आपको आज ले चलते हैं और दिखाते हैं, जो लोग खुले में शौच करेंगे हम उनको मना करेंगे कि ये करना गलत बात है। यहाँ देखिए एक व्यक्ति है जो खुले में शौच करने आया है, तो आइए हम इनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। हेलो भाई साहब, ये खुले में आप लोटा लेके जा रहे हैं, गलत बात है खुले में शौच करना ना? अरे खुला में थोड़ा फ्रेश फील होता है, फिर भी सब गलत बात है ना? हेलो भाई साहब खुले में नहीं करना चाहिए। हेलो भाई साहब, हेलो, अरे रुकिए। अरे भाई साहब, आप खुले में क्यों ऐसा शौचालय कर रहे हैं? अरे लोटा हमारा, खेत हमारा, गाय हमारा, हम यही हकेंगे। साला 40,000 लोग लाइफ उस काले गांड को देख रहा था, क्या यही है तुम्हारा रिपोर्टिंग? कभी कभी हो जाता है सर, थोड़ी सी गड़बड़। अपना सामान लो, भागो यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, इस बार मैं अच्छी रिपोर्ट लाऊंगा सर। साला भागता है कि नहीं यहाँ से? रिपोर्टर बनेगा, रिपोर्टर के नाम पर कलम कहीं का, निकलो यहाँ से।
काली शक्तियों के स्वामी बाबा कड़कनाथ अजगर जाली ने अपनी साधना पूरी कर ली है। अपनी समस्याओं की समाप्ति के लिए काली पहाड़ी के ऊपर मिले बाबा के पास हर एक समस्या का इलाज है। तो रास्ता ही खत्म हो गया, ऊपर कैसे जाऊं? इस बरगद की लता को पकड़ के ऊपर चढ़ा जा सकता। अरे बाबा जी की जय हो। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। कड़कनाथ को सब पता है। मैं जानता हूँ कि तू समाज से परेशान है, तू उन लोगों के द्वारा सताया गया है और वो लोग नियमों का पालन नहीं करते। तू चाहता है कि वो नियमों का पालन करे, तू उनको टोकता भी है, लेकिन वो बेटा तेरे ही मार के चले जाते हैं। आप एकदम आप सही कह रहे हैं बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ असीम शक्तियाँ दूंगा जो लोगों से नियमों का पालन कराने में तुम्हारी मदद करेगी, और जो भी दुष्ट उन नियमों का पालन नहीं करेगा तू उनको सजा दे पाएगा बेटा। बाबा जी के मुझे यही शक्ति तो चाहिए था बाबा जी। जय। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ? बाबा जी गार फट गया मेरा। एक जगह ऐसा आया कि वहां तो कोई रास्ता ही नहीं था बाबा जी। फिर किसी तरह मुझे एक बरगद की लता मिली, मैं उसी पे चढ़ के किसी तरह यहाँ पे आया हूँ बाबा जी। बरगद की लता? यहाँ तो कोई बरगद की लता ही नहीं है बेटा। फिर मैं किस चीज पे चढ़ के आया हूँ? अरे बाबा, इसका मतलब वो लताएं नहीं जटाए थे। वो जरा वो बाल बाल थोड़ा बढ़ गया है बेटा। वो क्या है कि काफी समय से मैं काली शक्तियों की साधना कर रहा था, तो इसलिए वो थोड़ी रेशमी काली घटाएं। खैर वो छोड़ो, जाने दो। अब मैं तुम्हें वो शक्ति देने जा रहा हूँ जिससे तुम समाज में नियमों का पालन करवा सकोगे। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तुम उनकी घाड़ फाड़ सकोगे। अब ये शक्ति है अपरिचित की शक्ति बेटा। जय हो, जय हो बाबा जी। अरे बाबा, ये तो पूरा लुक ही मेरा चेंज हो गया। बाल भी बड़ा हो गया बाबा जी। जाओ बाबा जी, जाओ। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा बेटा, तुम इसी पुस्तक के अनुसार सबको सजा दोगे। इसमें सारी सजाएं लिखी हुई हैं। जो भी दुष्ट नियमों का पालन न करे तुम इस पुस्तक को पढ़ के और सजा दो पाओ। इसी पुस्तक के अनुसार सजा देना है पापा जी? हाँ बेटा, इसी पुस्तक के अनुसार सजा देना है तुम्हें। बाबा जी, अब जो समाज में गलती करेगा मैं उनकी गांड फाड़ दूंगा पापा जी। जाओ, जाओ। और मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर बेटा। जब भी कोई समस्या हो तुम मुझे फोन कर सकते हो या मिस कॉल दे सकते हो बच्चे। आपका कॉन्टेक्ट नंबर? आपके पास इस पहाड़ पे फोन है पापा जी? 11, 12, 13 तीनों है बच्चा। जय हो बाबा कड़कनाथ की। बाल सफेद झटाए काली, जय हो बाबा कड़कनाथ अजगर जाली। जय। मैं जा रहा हूँ बाबा जी लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाने। पका बेटा।
ये तो वही रिपोर्टर वा है जिसको हम मारे थे। आने दो भाई चुटकी, इसको मारते हैं फिर हम। आने दो, आने दो, आने दो। इस बार मैं मार खाने नहीं बल्कि तुम लोगों की गांड फाड़ने आया हूँ। मारो बहनचोद को, मारो। अरे बहनचोद मार दिया रे। और एक बहनचोद मार दिया रे। जोगिंदर चंद मारो उसको। बड़ी तेज मारो रे। एक बहन के चो तो कभी बताते हैं आप। अरे बाप रे बाप रे बाप भाई। मारो बहन चत को। एक मिनट रुक जाओ यार। ए मेरी प्यारी प्यारी काली झटा घटाए उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। हाँ लचीला बेटा। अरे बाबा ये कौन सी शक्ति देती भाई जो कुछ काम ही ना कर रहा, पिट रहा हूँ मैं। मूर्ख, अपरिचित की शक्तियाँ अपने समय पर काम करेंगी। कब करेगी काम शक्ति? अरे काम करेगी, रखो। शिवतिया ए मेरी काली काली। बाबा ने चूतिया बनाया। अबे ओ लंडोरो, एक सच्चे पत्रकार को मारते हो, मैं तुम लोगों की गांड फाड़ डालूंगा। महेंद्र सैन मारो उसको। तुम लोगों को सजा मिलेगी। लंडोरा ये वही है क्या? मैं ये या वो नहीं बल्कि यमराज हूँ। एक गरीब पत्रकार को तुम लोग मारते हो, तुम जैसे चूतियों को मैं सजा देता हूँ। सर आप तो क्यों डर रहे हैं सर? क्या हुआ सर? आपको कौन गाड़ी आ रहा है सर? सर तुम लोगों की मैं गाड़ फाड़ दूंगा। सर आपकी गाड़ कौन फाड़ रहा है सर? क्या हुआ सर? मेरे से क्यों डर रहे हैं आप लोग? वो क्यों गिरा हुआ है सर? उसको किसने मारा सर? सर क्या हुआ सर? मैं तो आप लोग को कुछ कर ही नहीं रहा सर, क्यों डर रहे हैं आप लोग? चला एक पत्रकार दारू पीने से मारा जाता है तो उसको मारते हो, तुम लोगों की गाड़ मार दूंगा मैं। अब मैं तुम सबको इस पुस्तक के हिसाब से सजा दूंगा। एक निहत्थे आदमी पर हाथ उठाना, गलत काम मना करने पर उसे मारना पिटना, इसकी सजा है बस 25 लाठी मारना? नहीं, ये चूतिया पुस्तक है। ये कैसा भूचाल है? लगता है कोई लंडूर मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें अपने हिसाब से सजा दूंगा। तुम लोगों को सजा मिलेगी गंड कुपम, एक अंधेरे कमरे में ले जाकर
आधे घंटे तक लगातार तुम लोगों की गांड मारी जाएगी। हे, ये लचीला क्या कर रहा है? इस नालायक को मैंने कहा था कि पुस्तक के अनुसार सजा देना। इसने चारों की गांड मार दी। मुझे तुरंत प्रस्थान करना होगा, वरना यह संपूर्ण ब्रह्मांड की गांड मार देगा। जो भी खुला में हकता पाया गया उसकी गांड में गोली मार दो। अरे मैया रे लचीला, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस पुस्तक के अनुसार सजा दोगे। गुरुदेव, वो पुस्तक ही चूतिया थी। वो पुस्तक चूतिया नहीं थी मूर्ख। न जाने तुम में ये कैसा जुनून सवार हो गया है कि तुम लोगों की गांड मारते चल रहे हो। अब तक न जाने तुम कितने लोगों की गांड मार चुके हो। ऐसे तो तुम पूरे ब्रह्मांड की गांड मार दोगे। मुझे वो शक्ति तुमसे वापस लेनी होगी। ऐसा मत कीजिए गुरुदेव, फिर मैं लोगों को कैसे सुधारूंगा गुरुदेव? ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे जुनून और तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें एक नई शक्ति दूंगा जो मदद करेगी तुम्हें लोगों की गांड फाड़ने की, लेकिन अलग तरीके से। ये लो। पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना का केस आ गया? नमस्कार, आपका स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो धर्मेंद्र लचीला थे। अरे बाबा, लचीला आदमी झुक जाता है, और जो झुकता है ना उसका लोग गाड़ मार लेता है, इसलिए अपन झुकेगा नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत में भी कोरोना का केस आ गया है, तो हम यहीं से अपनी गांड फाड़ने की मुहिम की शुरुआत करते हैं। जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसकी गांड फाड़ी जाएगी। बाबा जी हैं, बाबा जी कड़कनाथ जी, आपका मास्क कहाँ है जी? मास्क? हम तो बेटा पहाड़ पर्वत पे रहने वाले हैं, तो हम पहाड़ पे रहो या झाड़ पे रहो, मास्क जरूरी है। गाड़े फाड़ देंगे मास्क नहीं पहनेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी मुहिम चालू है। जो भी मास्क नहीं पहने, नियमों का पालन नहीं करेगा, उसकी गांड फाड़ दी जाएगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अरे अरे रुको भाई, देख के कहाँ भागे जा रहे हो? बस ये थैंक यू बोलना था आप लोगों को कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आया, उम्मीद करते हैं आपको देखने में भी बहुत ही मज़ा आया होगा। आपने 1 मिलियन करवा दिया यार, इसके लिए बहुत थैंक यू सबका। नए साल की सबको शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आगे भी हम ऐसी वीडियो बना के आप लोगों को इंटरटेन करें, एंड आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार मिलता रहे, ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ब्लास्ट, हैप्पी न्यू ईयर।